state temporary file, plural file. ये पेस्ट है, ओके ऑटोमेटिक रहे हैं। इवेंट क्लिक करेंगे तो क्लिक कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है, वॉल्यूम कम ज़्यादा मीडियम हाई करना ट्राई कर सकते हैं, बस इतना ही। इसको ज़्यादा हम प्ले नहीं करेंगे क्योंकि प्ले करते साथ समय बर्बाद होगा, क्योंकि रिस्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक। सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए, ठीक। दूसरा जो है हम साउंड को देख लेते हैं, साउंड को कैसे करेंगे। तो इंसर्ट में जाएंगे और ऑडियो पे जाएंगे। ऑडियो जाने के बाद हम कोई साउंड रहना है फ्रॉम फाइल ले सकते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए भी करेंगे तो इस तरीके से चालू हो जाएगा ये रिकॉर्डर, और ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी इसमें, ठीक है। ये जो बटन है यहाँ पे टोटल साउंड लेंथ क्या है, कितनी लंबाई है, सेकंड में कितनी, जब डॉट को ये गोला वाला आकार को करेंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अभी जो भी बातें होगी वो ये रिकॉर्ड होने लगा है, ठीक है। जहाँ तक हमको करते हैं, जैसे आप प्रेजेंटेशन बनाए हैं और कैसे वो फ्लो कर रहा है, कैसे वो एक के बाद एक स्टेप में कैसे जा रहा है, उन सबको आप बोलते जाओगे और वो होते जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मीडिया फाइल के लिए क्या करता है, सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब जाने के बाद क्या, कौन सा टैब में जाएंगे, मीडिया क्लिप का ग्रुप में जाएंगे। वहां से आपको क्या करना है कि मीडिया मूवी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे फ्रॉम फाइल यूज कर सकते हैं, या साउंड होगा तो साउंड फिर फ्रॉम फाइल, ठीक है। और जब तक ये ओके कर देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा 45 सेकेंड बाद, ओके, ठीक है। अब वो जैसे ही बनाए हैं यहाँ पे वो ऑडियो आ गया, ठीक है। इसको कहीं पे भी रख सकते हो, इसको क्लिक करते साथ वो प्ले होने लगेगी, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि फ्रॉम फाइल, हम पहले से जो फाइल आपके सिस्टम में होगा उसको आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इंटरटेनमेंट हो सकता है यहाँ पे सॉन्ग को, ठीक है, न्यू सॉन्ग तो देख, ठीक है, एक सेलेक्ट किया और मैं ऐड कर दिया। क्या होना चाहिए, ये वेन क्लिक पे जैसे क्लिक करूँगा ये बजने लगेगा, ठीक है। और क्या चीज़ ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट में, क्या है, ठीक, साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर, ठीक है। इसमें यदि कोई साउंड होगा तो उसका यूज कर सकते हैं, क्लिप आर्ट खुलेगा। ये देखो दो चीज़ें हैं, क्लैपिंग दिया है और फोन रिंग, ठीक है। क्लैप के लिए इसको मैं क्लिक कर दिया, ये ऑटोमेटिक चालू हो जाए, ठीक है। ऑटोमेटिक मतलब सबसे शुरू होगा तो ये चालू ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक। ऑटोमेटिक होगा उसको हम ऊपर कर, ठीक है। ये इतने ही ऑप्शन है इसमें वीडियो करने के लिए, हम सीडी लगाया नहीं है तो इसलिए सीडी वाला ऑप्शन नहीं यूज करना है, ठीक है, तीन ऑप्शन। अब इसको हम प्ले करते हैं F5 से। मैं इस वीडियो को हटा दे रहा हूँ क्योंकि तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ठीक है। हम साउंड बस को देखेंगे और प्ले F5 से, क्लैपिंग वाली है ये, पहला वाला जो है वो क्लैपिंग के लिए है, क्लिक करते हैं, ठीक है। स्लाइड शुरू होते साथ वो ऑटोमेटिक वो चालू हुआ है, हम उसको बार बार यदि करना होगा तो हम उसमें क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑडियो क्लिप है। दूसरा जो बनाया गया था वो ऐड किया है कौन सा, रिकॉर्डेड वाला, हम इसको प्ले करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है, 45 सेकंड का है ये, पॉज कर देते हैं उसको, जितने बार क्लिक करेंगे वो हो जाएगा। हम यहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, राइट क्लिक करके, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो चलते रहेगा, ठीक। इसको चालू करो। तीसरा वाला जो है सॉन्ग है, जो MP3 है, हम सॉन्ग फाइल से लिए हैं, उसको क्लिक करते हैं, हाँ।
इस वाला कंटिन्यू चलेगा ये। साउंड आने लगा है, मैं अभी इसको मैं कर देता हूँ। क्या क्लिक पे है ये? फिर से चलाते हैं। सेकेंड वाले क्लिक नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, सीधा इस सॉन्ग वाले को जो सॉन्ग फाइल लिए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि सॉन्ग कैसे ऐड करने हैं, ऑडियो और रिकॉर्ड कैसे करना है, क्लिप क्लिपिंग से कैसे लेना है, इस तरीके से क्या है आपका साउंड वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? कौन कौन हो? इंदु, निशाद, नीतू, रिया, सोनिया। इंदु आप कौन से स्कूल से हो? हेलो। सर हाँ इंदु, आप कौन से स्कूल से हो? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सीधे सर इरेजर। चलिए ठीक है, ये यहाँ तो समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर्स में नहीं सर। क्या चीज़ बेटा, समझ नहीं आया? आवाज अटक अटक क्या आ रहा था? ओके एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, पहले इसको खोल ले रहा हूँ। डेटा का प्रॉब्लम रहता है कि डेटा यदि अच्छे से स्पीड पे नहीं चलते रहता है तब ये ऐसा होता है। ठीक है, मैं सबको डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। बात कर रहे हैं जैसे इंसर्ट करना, ऑडियो क्लिप करना है तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, उसके बाद मीडिया क्लिप पे जाएंगे, फिर यहाँ पे साउंड ऑप्शन है, साउंड ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे साउंड क्लियर ये डायरेक्ट खुल रहे हैं, मतलब ये फ्रॉम फाइल को बाय डिफॉल्ट लेता है। ठीक है, एरो पे क्लिक करेंगे, डाउन एरो पे दिखाएगा फ्रॉम फाइल पहला ऑप्शन, तो हम इसको ले सकते हैं। दूसरा क्या है, साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी क्लिक करेंगे तो ये साइड में दिखा रहा है। ठीक है, हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या किए थे, क्लैपिंग वाले थे, इस बार हम टेलीफोन वाले ले लेते हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक ना होके ऑन व्हेन क्लिक, हम क्लिक करेंगे तब होना चाहिए। प्ले कब होगा, जब हम क्लिक करेंगे तब, यदि प्रीव्यू के तौर पे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं चल रहा है उसको। ठीक है, इस तरीके से आवाज करेगा। ठीक, और इसमें और भी चीजें हैं कि हाइट रेंज इसको लिए बनाने के लिए कि कितने साउंड होना चाहिए, इसकी वॉल्यूम कितना होना चाहिए, मैं इसको हाई कर दे रहा हूँ। ठीक, ये हाई हो जाएगा। अब प्रीव्यू करते हैं, थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, साउंड फाइल की साइज क्या होगी वो जी यहाँ पे डिसाइड किया गया है। ठीक है, ये पहला होगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा, इंसर्ट करने के बाद साउंड पे जाएंगे और क्या है, रिकॉर्ड वाला। ठीक है, फ्रॉम फाइल को पहले ले लेते हैं, फ्रॉम फाइल, और हमारा जो सॉन्ग है फोल्डर जो है एक्सप्लोरर खुलता है, वहाँ पे जहाँ पे भी आपका सॉन्ग रहेगा वो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ओल्ड सॉन्ग सेलेक्ट कर दिया, और चलिए ये वाला सॉन्ग मैंने डाल दिया है। ठीक है, इसको भी ऑटोमेटिक ना करके वेन क्लिक, जब हम क्लिक करेंगे तब बजना चाहिए। ठीक है, यदि हम इसको प्रीव्यू करना चाहें तो कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, इसका साउंड अलग आया। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है हम क्या, रिकॉर्ड करना, तो हम रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ से ये रिकॉर्डर ऑन होगा, आपको ये डॉट वाला जो है रेड कलर का उसको क्लिक करना होगा, तब ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। जो भी चीज़ें आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्टर का, अपने जो टॉपिक का, तो आप उसके बाद प्ले करते हुए उसको
बोल सकते हैं, और जब बोलेंगे तो वो रिकॉर्ड होते रहेगा और वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। यदि 15 सेकंड हो गई तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी ये तीसरा वाला आ गया। अब इसको हम प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं ऑप्शन पे। आवाज आ रही है? अब मैं इसको स्लाइड शो कर रहा हूँ F5 से। अब देखो, हमने इस बार इसको ऑटोमेटिक नहीं सेट किया, सभी को ऑन क्लिक किया है। तो जब तक हम नहीं क्लिक करेंगे तब तक वो प्ले नहीं होगा। हम कहीं पे क्लिक करेंगे तो वो आ, आ, प्ले नहीं होगा। ठीक है, क्लोज हो गया। फिर से कर रहे हैं। ये जो बटन दिया हुआ है स्पीकर का, उसको ही करना रहेगा। ठीक है, जैसे ये टेलीफोन वाला हुआ, जो हम क्लिप से क्लिप ऑर्गेनाइज किए हैं। दूसरा क्या, सॉन्ग लिए हैं जो आपके मतलब सॉन्ग फाइल आया है। और तीसरा जो है वो, तीसरा क्या है, रिकॉर्डिंग के लिए। इस तरीके से तीनों सॉन्ग एक साथ बज सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। आप उसका टाइमिंग सेट कर सकते हैं। इतना है आपका ऑडियो के अंदर। ठीक है, अगला जो है आपका ये स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ और मीडिया हुआ। स्लाइड कंपोनेंट एनिमेशन को कस्टमाइज करना। हम कैसे, जो कंपोनेंट स्लाइड में कंपोनेंट किसे बोलेंगे, जो भी चीजें इसमें डाला हुआ है। ठीक है, जैसे टेक्स्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, उसको कैसे कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, उस कंपोनेंट को कैसे कस्टमाइज करना है। एनिमेशन, एनिमेशन मतलब उसको कुछ ट्रांजेक्शन होगा, उसका जो मतलब वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वो कैसे दिखेगा, कैसे आएगा। ठीक है, कैसे जाएगा। ठीक है, यानी मतलब वो व्यू कैसे हो रहा है, उन सबको हम एनिमेशन इसके अंतर्गत करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप्स दिया गया है कि क्या क्या है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन को एनिमेशन का उपयोग करने के लिए क्या करना है, आपको काम दिया गया कि आपको टेक्स्ट लेना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, ये लॉन्च सेरामिक के न्यू कैमरा सीरीज है और ये कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट लॉन्च दिया है, ऊपर में लिखा हुआ है न्यू कैमरा सीरीज लिखा हुआ है, और कुछ पब्लिक डोमेन प्लीज फील फ्री, इस तरीके से कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको जो है राइट क्लिक करके क्या ऑब्जेक्ट को चुनेंगे और पॉपअप दिखेगा, उसमें से क्या करना है, कस्टम एनिमेशन सेलेक्ट करना है। टास्क पेन खुलेगा, उसमें कस्टम एनिमेशन सब सेक्शन में दिखाई देगा, जैसे ये दिख रहा है। ठीक है, कस्टम एनिमेशन, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। और मॉडिफाई इफेक्ट मतलब इफेक्ट कैसा उसका जो व्यू है ना, इफेक्ट प्रभाव कैसा आ रहा है, उसको हम सेट करते हैं। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू लेफ्ट, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे ये इंट्रेंस हो गया, इंट्रेंस मतलब जो आएगा तब कर दो। एग्जिट होता है, एक एम्फेसिस, जब वो उसमें कुछ विशेष फोर्स किया जाता है, उसमें अलग से दिखाने के लिए, उसमें हाईलाइट करने के लिए, तो एम्फेसिस के अंदर कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ इंट्रेंस ऑब्जेक्ट पे बताया गया वो चीजें, और एग्जिट जो मैंने बताया कि एग्जिट करने के लिए डिसअपीयर होता है, कि अपने आप को गायब होना। ठीक है, यहाँ पे मोशन पाथ दिया है कि मूव कैसे होगा, मोशन मतलब मूवमेंट होगा, तो आपका ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट, या कैसे इस तरीके से वो जा रहा है वो चीज। और क्या जो है मिस इफेक्ट, मतलब मिसलिनियस इफेक्ट कुछ है, जो मल्टीमीडिया का ऑब्जेक्ट वो यूज कर सकते हैं। ये कस्टम एनिमेशन के अंतर्गत ऑप्शन दिया गया। ठीक है, लिखा के देखते हैं। और ये इफेक्ट दिया है, डिसॉल्व इन दिया इफेक्ट, इसका यूज कर सकते हैं, और ओके करके क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम कंटेंट उसको जो दिया गया है उसको हम करके देखते हैं थोड़ा सा। मैं इसको थोड़ा साइज से थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हमारा टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। और यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, प्रोडक्ट लॉन्च 2020, 2020 लिखेंगे।
एक, उसके बाद क्या दिया है, न्यू कैमरा सीवी। चलिए ठीक है, और यदि दूसरा हम करना चाहते हैं तो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं इसे दूसरा लिखना चाहूँ तो मैं यदि मान लेता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिसमें जैसे मैंने स्टूडेंट नेम लिस्ट डालना चाहता हूँ तो हम डाल सकते हैं, जैसे अटेंड किए करने वाले। ठीक ऑनलाइन क्लास ठीक है, यहाँ पे जैसे नाम है आपका, 5 लोग पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, इंदु, यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर पे दिया हुआ है, दिया सोनिया। ठीक है, 4 लोग को दिया हुआ है हम, और ये बुदलाल आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये सॉर्टेड हो गया ऑर्डर। हम चाहें तो इसको बुलेटिंग कर सकते हैं, बाकी चीजें आप लोग देखे हुए कैसे किया जाता है। ठीक, और फॉर्मेटिंग करना आप लोगों को आता है, कैसे इसको फॉर्मेट किया जाता है, ठीक है, फॉर्म टैब में। हाँ दिला लीजिए बड़ा हेलो, अपना माइक बंद चैलेंज। करो। हाँ जी लग भेजेगा भेजिए। ठीक है, कलर चेंज करना है तो किया जा सकता है सेलेक्ट करके। ठीक है, बोल्ड किया मैंने, साइज को बढ़ा दिया, अंडरलाइन कर दिया, इस तरीके। ठीक है, ये हमारा कंटेंट कंटेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको कस्टमाइज करना है। क्या करना है, एनिमेशन कस्टमाइज करना है, तो हम एनिमेशन में जाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें वहां पे आपके बुक में जो दिया है वो पुराने वर्जन के साथ किया गया है। ठीक है, तो इसको जिस तरह से राइट क्लिक करके कस्टम कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक पे कस्टम वाला नहीं आया। ठीक है, पुराने वर्जन पे था। ठीक है, क्लिक किए, आप देखो एनिमेशन के अंदर देखें कि ये, हाँ, ये कस्टम एनिमेशन। आप पहली चीज तो ये इस तरीके से डाल सकते हैं कि ये स्लाइड के लिए एनिमेशन है। क्या बोलता है, ट्रांजेक्शन ऑफ द दिस स्लाइड, इस स्लाइड को कैसे आएगा उसको डाल सकते हो। ठीक, ये दिया, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं, उसको यूज किया जा सकता है। इस तरीके से अब कस्टम में जाके हम इस पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो चीज सेलेक्टेड रहेगा उस पे ये वर्क करेगा। ठीक है, कस्टम एनिमेशन, ये आके कस्टम एनिमेशन क्लिप आर्ट वाले को हटा देते हैं हम। ठीक, अब देखो यहाँ पे एड इफेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कैसे इसका यूज होगा। ये सेलेक्टेड है क्या, इसके जो नाम है, यहाँ पे 3 चीजें दिया गया है क्या, ट्रिगर के लिए है क्लिक करने पे, क्योंकि तो 3 ऑडियो पहले से डला हुआ है, 1 2 3। ठीक है, उसका दिया हुआ है, ये रिकॉर्डेड साउंड है, ये दीवाने का एक गाना है, और एक क्या है आपका क्लिप आर्ट से लिया गया ऑडियो का। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीक्वेंस दिया हुआ है। अगला जो है इसका है, इसको हम एड इफेक्ट करना चाहते हैं, तो देखो इंट्रेंस ये आएगा कैसे होगा, तो ब्लिंक होने के लिए है। ठीक है, मोर इफेक्ट में जा सकते हैं, बॉक्स के रूप में हो सकता है, चेकर बोर्ड हो सकता है। चेकर बोर्ड मतलब जो आपका जो रहता है, क्या बोलते हैं, चेस, चेस की रहता है, उस तरीके से चेकर बॉक्स वगैरह वो दिखाई देगा। ठीक है, इफेक्ट किया गया,
हम मोर में जाके देख सकते हैं, जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वो इफेक्ट उसमें दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से सर्कल गोले में आ रहा है, डायमंड शेप में इस तरीके से होगा, तो प्रीव्यू हमें तुरंत का तुरंत दिखेगा, आपको उसको क्लिक करना रहेगा। स्प्लिट ठीक है, डिसॉल्व इन बोला था तो डिसॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये हमें इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, दूसरा ये देखो आ गया 10वें नंबर का टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बाद हम इसको क्लिक करना चाहते तो इसको क्लिक किए और यहाँ पे एड इफेक्ट किए एंट्रेंस, एंट्रेंस क्या होगा क्लिक करना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें दिया हुआ है, स्नाइपर ठीक ये कर सकते हैं, एक छोटा टाइपिंग वाला भी होता है वो सकते हैं। ओके टोटल हो गया इतना, अब इसको हम प्ले करके देखते हैं, स्लाइड शो करके देखते हैं स्लाइड शो में कैसे होता है। ये आया इंट्रेंस, हमने इसको क्लिक नहीं किया है इसलिए प्ले नहीं होगा, बाकी नीचे लाएंगे तो फिर लगातार ये गाना चलने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक पे इस तरीके से टाइटल वाला आया, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो अगला जो है जो कंटेंट लिखा था वो आया, ठीक है। ये दोनों इंट्रेंस हुआ है, इंट्रेंस मतलब आया है स्लाइड पे, ठीक। अब दूसरा इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, एम्फेसाइज करने के लिए, देखो एम्फेसाइज करना चेंज फॉन्ट ऑप्शन यहाँ बहुत सारे हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं कि कैसे एम्फेसाइज हो रहा है, ये फोकस हुआ उसमें बैकग्राउंड का जो है कलर है चेंज हो रहा है, तो वो हमें जो आंखों का है स्पेसिफिक फोकस मिलता है कि वो हम किसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आप टॉपिक बात करेंगे तो ये बोल्ड होना क्लोजिंग इस तरीके से, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी धुंधला हो जाना, चेंज फॉन्ट इस तरीके से, ठीक है, हमने इसी को सेलेक्ट कर लिया एक्सरसाइज। ओके, इसकी बात करते हैं, ये वाला सेलेक्ट किए, इसमें भी हम इफेक्ट डालते हैं क्या, एम्फेसाइज करना और ये फेक इफेक्ट, मान लो इनके चीजें हैं थोड़ा सा चेंज हुआ है इस तरीके से, इस खास पता चला, सब दिख रहा है फ्लिकर्स ग्लो एंड कलर, ठीक। चलिए मैं हम इसी को ऐड करते हैं और तीसरा इफेक्ट हो जाता है क्या, एग्जिट, कि जिसको कंप्लीट हो जाता है वो हम उसको हटाना चाहते हैं तो एग्जिट वाले में डाल सकते हैं, ठीक है। एक मिनट बैठ, हेलो, हाँ सर, हेलो, ठीक है। एग्जिट के लिए हम देख रहे हैं कि क्या हम एग्जिट कैसे करने हैं, तो जैसे ये वाला सेलेक्ट है हम पहले इसको हटाते हैं, ठीक, लॉन्च वाले को पहले लेते हैं एग्जिट में, एग्जिट फ्लाई आउट कि उड़ के वो चला जाए, इस तरीके से गायब होगा। दूसरा क्या होगा, हमने इसको लिया और इसका भी एग्जिट कैसे होना चाहिए, साइड से गायब कैसे होगा उसको देखना था, इफेक्ट रैंडम इफेक्ट, ठीक, ये अच्छा लग रहा है, चलो डाल। ओके, अब हम इसको प्ले करते हैं, F5 से हम प्ले कर लेते हैं, ठीक, ये स्लाइड आया, इसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजेक्शन, हम यदि साउंड चलाना चाहते हैं क्लैपिंग देना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है, ये सिग्नल हुआ। नेक्स्ट क्लिप पे क्या होगा, ये आएगा, फिर उसके बाद सेकंड वाला आ रहा है कि ऑनलाइन क्लास अटेंडेंस, ठीक, उसके बाद हम लोगों ने इसमें एम्फेसाइज किया है तो हम क्लिक करेंगे एम्फेसाइज, ठीक, ये फोकस हुआ क्योंकि ये बड़े साइज है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, समझो। नेक्स्ट जो क्लिक पे आएगा क्या, नीचे वाले को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं,
उसे फोकस कर रहे हैं तो इस तरीके से सब कलर चेंज होते हुए दिखाया है और जूम होते हुए दिखाया है, ठीक है, कलर चेंज और जूम हुआ है। तीसरा क्या किया है, हम एग्जिट डालेंगे कि हम इसको एग्जिट किए हैं फिर इसको एग्जिट किए हैं, तो एग्जिट करने फ्लाई फ्लाई आउट है, ये नेक्स्ट क्लिक पे ये उड़ के गायब हो गया, आउट हो गया अपने स्लाइड से हट गया, कि नेक्स्ट क्लिक पे हमने इसका एग्जिट दिया हुआ है, इसका एग्जिट कैसे होगा, क्लिक करेंगे इस तरीके से वो गायब, यहाँ पे ए दिख रहा है और शायद इसलिए लिखा होगा, ठीक है। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमको इससे नंबरिंग दिखाई दे रहा है कि कैसे कैसे काम होगा, देखो ये तो तीनों है, तीनों कैसा है, हैंड का निशान दिया, मतलब हम इस पर क्लिक करेंगे तब चलेगा, उसके बाद इसको सीक्वेंस दिया है 1 3 5, मतलब ये 1 है, फिर 2 आया, उसके बाद ये एंट्रेंस वाला हो गया, फिर एम्फेसाइज 3 आया, फिर 4 आया, फिर ये एम्फेसाइज हो गया, फिर उसके बाद एग्जिट है 5, फिर 6, इस तरीके से इसका नंबर्स दिया हुआ है, हम उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं सेट करके। क्लियर हुआ सबको, सभी को क्लियर हुआ ये? नीतू, रिया, सोनिया, बुदलाल, सर, इंदु, यस सर, समझ में आ गया इतना? यही मेन है आपको प्रेजेंटेशन का कि क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बात करते हैं, क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्यों यूज किया जाता है, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है, तो ग्राफिक्स का यूज करके, ऑडियो का यूज करके, वीडियो का यूज करके और ट्रांजेक्शन यूज करके, ठीक है, उसी साथ क्या है ये एनिमेशन जो और इफेक्टिव बना देता है। इसमें एक चीज छुटा है, क्या, मोशन देना, ठीक है, मोशन कैसे दिया जाता है, जैसे मैंने इंसर्ट किया एक ऑब्जेक्ट, ये स्टार, ठीक है, स्टार को मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब इसमें यदि इफेक्ट डालना होगा तो एड इफेक्ट किया हूं और यहाँ पे मोशन पाथ है, ठीक है, डायगोनल जाना है कैसे है, मैंने मान लो कि ड्रॉ कस्टम पाथ, बहुत सारे ऑप्शन है, हमने ड्रॉ कस्टम पाथ किया और कर्व में दे दिया, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे इसका पाथ डिसाइड करना होगा, जैसे मैंने यहाँ से तरीके से ठीक है, ठीक है, ये मूवमेंट दिखा, डबल क्लिक करना है छोड़ दिया गया, हम इसे चाहे तो फिर ये पकड़ के इसको मैं घुमा सकता हूँ, ये करेंगे ओके, ये एंट्री है और ये एग्जिट है इसका, ठीक है, और इसको हम प्ले करते हैं रिव्यू, ये क्लिक हुआ, क्लिक करते जा रहा हूँ एम्फेसाइज एम्फेसाइज एग्जिट एग्जिट, और नेक्स्ट क्या है, स्टार्ट पे मोमेंट, तो जैसा उसको हम मूवमेंट किए हैं उसके हिसाब से वो मूवमेंट होगा, ठीक है, इसको हटाते हैं, दूसरा मूवमेंट देना चाहते हैं तो हम मूवमेंट दे सकते हैं, मोशन किए और ड्रॉ पाथ दिए और हम कहते हैं क्या स्क्रिबल, फ्री फॉर्म करते हैं तो फ्री फॉर्म कैसे होगा, जैसा आपका माउस चल रहा है वैसा हो जाएगा, ठीक, वापिस डबल क्लिक किया, ठीक है, समझ में आ गया, एक बार और कर दे रहा हूं, यहाँ पे हम यहीं पे बिना स्लाइड शो देख के एक एक के बाद सीक्वेंस में दिखाते जा रहे हैं, पूरा दिखा रहा है इसको, ठीक है, स्लाइड कैसे चलेगा, ठीक है, ये मोशन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए या जैसा आपको विचार आता है वैसा यूज कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसी कर सकते हैं, आप इसको जो भी हमने जो सेट किया अभी तक कस्टम एनिमेशन, वो पूरा का पूरा शेप में यूज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, इमेज कर रहे हो उसमें कर सकते हो, ऑडियो में कर सकते हो, वीडियो में कर सकते हो, उसका मूवमेंट कर रहा है ऑडियो वीडियो में, बस इसका जो सिंबल है वही बस होगा, बाकी इफेक्ट जो है वो क्लिप पे रहेगा और मीडिया तो चले गए थे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, हम यहाँ तक इसको क्लोज करते हैं। आप इसको